खरगोन जिले के सेगावा में स्थानीय देवी श्री मैरिज गार्डन में नारायण मित्र मंडल सेगावा ने होली मिलन और सम्मान समारोह आयोजित किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक केदार डावर, कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर गोविंद मुजालदा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता बोंदर सिंह मंडलोई सहित जनपद और प्रशासनिक अधिकारी सहित ग्राम के व्यापारियों की उपस्थिति में भव्य आयोजन किया गया, जहाँ पर सभी अतिथियों ने अपने उद्बोधन में सर्वप्रथम वरिष्ठ व्यापारी स्वरू संतोष गोयल को, जो हमारे बीच नहीं रहे, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और व्यापारियों को होली पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कोविड-19 के बारे में समझाते हुए कहा कि कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं और हमें सावधानी बरतना है। प्रशासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए आगामी त्यौहार मनाने की अपील की गई है। इस अवसर पर जैतापुर चौकी प्रभारी दिनेश सोलंकी के TI बनने पर शाल त्रिपल सम्मान भी किया गया। सेगावा से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। नहीं था और कुछ एक इवेंट आ गया और वहाँ पर जाना पड़ा अर्जेंट में। सबसे पहले प्राथमिकता उसको थी, इसलिए समय साधन लेट होने में। होली का त्यौहार हम सब जानते हैं, बजरंगी त्यौहार है, अनेक रंगों का एक त्यौहार होली। मजबूत संगठन होना चाहिए, हम सब चाहते हैं, और हमारे व्यापार संघ के जितने पदाधिकारी मजबूती से आगे आए, व्यापार को गति और आगे देने। दूसरा क्या कार्यक्रम था आज? नारायण अग्रवाल मित्र मंडल के द्वारा होली मिलन का कार्यक्रम किया गया और साथ ही साथ हमारे एक वरिष्ठ साथी जिनकी पिछले वर्ष मृत्यु हुई, उन्हें भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। और साथ ही साथ हमने सोलंकी जी, बोंदर सिंह जी मंडलोई और हमारे विधायक महोदय केदार भाई का स्वागत और सम्मान किया। क्या नाम लिखते हैं? देवेंद्र मंडलोई। चूँकि मेरा ये पहला कार्यक्रम है, ऐसे कार्यक्रम में बहुत कम पार्टिसिपेट कर पाया हूँ। आज यहाँ सभी सेगांव वासियों को देखकर बहुत ही खुशी महसूस हो रही है और इसी तरह आप सब लोग भाईचारा बना के रहे। नगरवासी जो हैं, आपसी मनमुटाव वगैरह तो चलते ही रहते हैं हमारे जीवन में, परंतु ऐसे त्योहारों में हम लोग आपस में ऐसे त्यौहार मनाकर, मनमुटाव मिटाकर, आपस में भाईचारा बनाकर रहें, ये बहुत अच्छी बात है। त्यौहार होली का माना जाता है। होली, दिवाली, दशहरा और रक्षाबंधन भारतीय संस्कृति के बहुत ही अच्छे त्यौहार हैं। इसमें एक दूसरे के साथ पुराने को उठाकर प्रेम और स्नेह को और श्रेष्ठ रूप से निर्माण में होली का त्यौहार जैसा होता है, यहाँ पुरानी कटु स्मृति को भी छोड़कर एक दूसरे से मिलने का समारोह होता है। जैसे दादा जी ने बताया कि कोरोना के बारे में, कोरोना के अनुभव जैसा ही है, वो किसी से भेदभाव नहीं करता, सबको बदल जैसे सबको लगता है बराबरी में। जैसे कोरोना भी किसी को नहीं छोड़ रहा था, कोई ये ना समझे कि मैं जवान हूँ या मेरा कोई दूसरी बीमारी नहीं या मेरी इम्यूनिटी पावर ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। सबको ऐसा इफेक्ट करता उसका, साथ ही टीका लगा दिया तो भी वो समस्या उसके साथ ये रहेगी कि मैंने जैसे पूरे टीके लगवा लिया, मैं पहले इन्फेक्टेड हो चुका हूँ तो मेरी इम्यूनिटी अच्छी हो गई, ऐसा मान के चल सकता हूँ मैं। लेकिन जीवाणु मेरे ऊपर आ सकते हैं, वायरस मेरे रेस्पिरेटरी आ सकते हैं और मैं दूसरों को फैला सकता हूँ, मैं ऐसा होगा, लेकिन आप लोग को फैला सकता हूँ। तो ये ना सोचे कोई कि मेरा एक बार ऐसा हो गया तो मैं मास्क नहीं पहनूँ या दूरी बनाए रखने से परहेज करूँ। बिल्कुल आपको वही सावधानियाँ वापरना है जो एक मरीज है या कोई दूसरा है उसके हिसाब से, तो इसके बारे में थोड़ा सावधान रहें। और जो भ्रांतियाँ चल रही है कि ये कोई चीन वालों ने साजिश रची या जो पहले चलते थे, अभी भी जो लोग बोल रहे हैं कि ये सब मेडिकल साइंस का क्या धारा है या और भी कोई जितनी भी अफवाह फैल रही है, ये सब गलत है। ये सत्य है कि बीमारी है और है 100%। हमारे परिवार के, मैं खुद भी इन्फेक्टेड हो चुका हूँ, जो हमारे सिटी स्कैन हम देखते हैं वो कभी झूठ नहीं बोलती है, वो तो आप भी देख सकते हो कि यार ये सामान्य है और ये गलत अलग हुआ है इसका, तो कोई भी देख सकता है। तो इसमें भ्रांतियाँ जो फैल रही हैं वो बिल्कुल विधायक हमारे भाई केदार रावत, हमारे साथी डॉक्टर मोहित मुजालदा जी,
हमारे बड़े भाई साहब उत्तम भाई हिराबाद जी, तहसीलदार साहब, तहसीलदार साहब मुकेश भाई, हमारे दादा भाई पंडू भाई, राजीव भाई, सोनी जी, हमारे सामने पंक्ति बैठे हमारे मीडिया के सभी साथीगण, नारू भाई, किशोर भाई, नक्की भाई और हमारे तमाम उपस्थित सभी व्यापारीगण। कई तो ऐसे है आप लोगों के बीच में भी काफी रहा, कुछ लोग बहुत छोटे छोटे थे, कुछ हमारे साथी भी हैं। आज बड़ा अच्छा लगा कि आप लोगों ने यह कार्यक्रम आयोजित किया है। निश्चित रूप से अभी हमारे बहुत जिले और आसाम में। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।